और आज अरुणाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पेमा खांडू फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस बार विधानसभा में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने परचम लहराया है। कल सभी 40 विधायकों ने पेमा खांडू को विधायक दल के रूप में चुना था, विधायक दल का नेता चुना गया था। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर में राजभवन के दरबार हॉल में होगा, सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएस संतोष की मौजूदगी में शपथ लेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह कल रात ही ईटानगर पहुंच गए थे। तो एक बार फिर से पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखते नजर आएंगे। कल सर्वदलीय सम्मति के साथ इनको चुना गया था, आज शपथ ग्रहण समारोह होगा ईटानगर में। कल गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नजर आए, ईटानगर में ही वो मौजूद थे। और आज ये भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें शपथ ग्रहण करेंगे पेमा। इस बार साउथ में और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने काफी अच्छा किया है। कल भी ओडिशा में आपने देखा कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी का हुआ, इसके बाद आंध्र प्रदेश और आज बारी अरुणाचल प्रदेश की। चलिए बात T20 वर्ल्ड कप की कर लेते हैं। नजर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को हरा दिया है। भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी जीत मानी जा रही है। और सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 50 रन बनाए हैं। और वहीं अगर हम शिवम दुबे की बात करें तो 31 रन की पारी खेली गई है। भारत की तरफ से अर्शदीप ने 4 विकेट ली है। तो शानदार प्रदर्शन और T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी जीत ये बताई जा रही है।